उमा शंकर मिश्रा, मैं ऐसे तो छतरपुर का रहने वाला हूँ पर रायपुर में रहता हूँ। रायपुर में मैं 17 साल से रहता हूँ। मैंने यहाँ पर दिव्य दरबार का दर्शन दिया, शंखाएँ देखी, महाराज जी ने का जो कहने का है वो चीज़ें देखी, वास्तविकता देखी, पत्रकारों पर जो उन्होंने उनको उठाया और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये जो भ्रम जो फैलाया जाता है ना कि पाखंड है, ये है, वो है, तो कहाँ से उठता है? कहीं ना कहीं पत्रकारों के द्वारा या छोटे छोटे यूट्यूब के द्वारा दिखाया जाता है। तो उसी लिए पत्रकार को ही बुला करके, पत्रकार को ही जवाब दे करके, और पत्रकार को एक छो जो बाद में बात के दरबान, एक तो जो बात बीच में एक कागज निकाला महाराज जी ने, जो सबसे प्रथम में लिख करके उनको दाब के रखे थे, उस कागज को देख करके जो उनको बताया गया, वो शायद माइक में नहीं बोले लेकिन उनको पढ़ाया गया, आधा पेपर पढ़ाया गया, वो सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। अब मैं तो उस चीज़ को नहीं जानता। देखा गया कि महिला को भी उठाया, महिला ने दूसरी महिला को, अनजान महिला को बुलाया, जी क्या देखा? हमने वही देखा कि एक पहले तो पत्रकारों को ही बोला गया कि कोई भी पत्रकार आप सम्मिलित हो जाइए और खड़े हो जाइए, और मैं बोलता हूँ कि किसी को आप उठा के लाइए, पूरे पंडालों से, चार पंडाल हैं, चारों पंडालों से किसी को लेकर आइए और ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। तो महिला को सभी पत्रकारों ने नियुक्त किया, उस महिला को भेजा गया, वो महिला किसी को भी, एक महिला को लेकर के आई और उस महिला की जो भी बातें थी वो महाराज जी ने अपने कागज में लिखी और वो बात उनकी सत्य निकली। इसलिए हम मानते हैं कि महाराज जी की तो बात नहीं करते पर बागेश्वर जी को हम नमन करते हैं। हो सकती है दूसरे पत्रकारों को, तो उन्होंने पहले महाराज जी ने कहा कि क्या हमारे आप चाचा जी का नाम बता सकते हैं, जो कि संस्कार टीवी में हमारे चाचा जी का नाम है, हमारे चाचा जी का नाम संस्कार टीवी में है, तो वह नहीं, तो अपने चाचा जी के नाम से उस पत्रकार को बुलाया गया। फिर उनको उनके भाई के बोला गया कि तो आपके भाई ने गृह प्रवेश किया, घर का निर्माण किया, तो हाँ वास्तुकता ने उसका, हाँ 2 दिन पहले हमारे घर भाई ने गृह प्रवेश किया है, तो उसकी भतीजी का नाम बताया गया, उनको एक तो कागज पढ़ाया गया जिसमें पत्रकार ने स्वीकार किया कि ये बात सत्य है। जो लोग अंधविश्वास के लिए बोलते हैं, जी अंधविश्वास फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, उनके लेकर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखिए ये है कि आप खुद आकर के उसका निर्णय कीजिए ना, जो कहते हैं कि आप खुद आकर उनका निर्णय कीजिए, ऐसी जगहों पे आइए, उन्होंने तो खुला चैलेंज किया ना। देखा गया पत्रकार सच का सामना करवाते, सच दिखाते हैं, आज उन्हीं के सामने आज हाँ तो हम तो उसे ये कहेंगे कि जो सत्य है उनको महाराज जी ने आज खुली चैलेंज करके उसका दिखाया और अपने सनातन का झंडा गाड़ करके जय श्री राम का नारा लगाया।